Good morning, students. How are you? I hope you all are very well. I'm Sonu Sharma from Golden Public School. Welcome to our English class. And in this class, today's our topic is Lesson 3, Hasmina's Kite. Yes? In this class, we will start with a book. This is your book, Buzzword English for Schools. Open your book. Page number 3333. Fine, student. In this exercise, we will learn how to use this, that, these, and those. Fine, student. Look at the blackboard. आज मैम आपको बताने वाली है यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोस. फाइन स्टूडेंट, दिस एंड दैट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन. फाइन, दिस एंड दैट यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन मीन्स ओनली फॉर वन ऑब्जेक्ट, है ना. And these and those are used for plural noun means more than one nouns. Clear bachche, this and that ki agar hum baat kare to hum sirf use karte hain singular noun mein, this and that only for one. ओके, और अगर बात करते हैं हम दीज एंड दोस, वो यूज होता है प्लूरल नाउन में. क्लियर बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वॉल. वॉल नियर है, या हम बोल सकते हैं दिस इज अ चॉक, दिस इज अ डस्टर, है ना. बट That is a blackboard. Yeah, that is a kite. Kite is far, है ना. Kite दूर है, so that is a kite. अगर कोई object हमारे near है तो हम use करते हैं this, और condition अगर वो singular है तो use करते हैं this. और अगर कोई object दूर है और singular है, हमें इंडिकेशन करना है तो हम यूज करते हैं दैट, है ना. क्लियर? नाउ कम टू दीज. दीज आर बॉल्स. अब देखो, यहां बॉल है और यहां क्या हुआ है, बॉल्स. क्यों? क्योंकि मोर देन वन ऑब्जेक्ट प्लूरल में है. क्लियर? प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे बेटा? दीज. क्लियर बच्चे? एंड दोज आर काइट्स. मोर देन वन काइट, है ना, प्लूरल नाउन है तो हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? दोज. ऑब्जेक्ट दूर भी है और प्लूरल भी है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? दोज. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? वेरी गुड. नाउ कम टू आवर बुक एक्सरसाइज. Okay, so let's start with me. Now, student, read these sentences. T-H-O-S-E, those are very colorful kites, said Hasmina. अब ये देखिए kites में S add है, so दोज किस लिए यूज हुआ है? क्योंकि काइट्स प्लूरल में है. फाइन, दिस काइट इज माइन. अब यहां देखिए, काइट ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो यहां क्या यूज हुआ है बेटा? दिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट नियर है जैसे मैम ने आपको बताया. फाइन,
That is a apartment building. Fine. Look at the picture. That is a apartment. Indication hai. So, apartment is far. अपार्टमेंट दूर है इसलिए इंडिकेशन है और क्या यूज हुआ बेटा दैट द वर्ड्स इन कलर आर यूज टू पॉइंट टू थिंग्स दिस पॉइंट्स टू आर थिंग्स नियर अस है ना दिस किसके लिए यूज होता है जो थिंग्स नियर होती है हमारे दैट पॉइंट्स टू आर थिंग फार अवे फ्रॉम अस लुक एट द पिक्चर We use this and that when there is only one of something. Single object के लिए use क्या होता है बेटा? This and that. This is my teddy bear. And that is my house. When we point to more than one thing, we use these and Those are four things near us. These and those, जैसे मैं हमने आपको बताया plural noun में use होते हैं और this and that singular noun के लिए Fine? These are four things near us and those are four things far away from us. These are pretty bangles. Those are my friend. आप ये देखिए ये far हैं और ये near हैं. Next, come to our exercise C. Look at these pictures. Circle the correct answer to complete these sentences. Fine, बच्चे. This is my बेडरूम क्लियर ये आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सो दिस इज अ सेंटेंस दिस इज माई बेडरूम नेक्स्ट इज ब्लैंक योर पेंसिल बॉक्स इज योर पेंसिल बॉक्स अब ये इंडिकेशन है सो दिस इज फार है ना ये दूर है सो यू हैव टू सर्कल दैट सो यू राइट हियर टी एच ए टी दैट योर पेंसिल बॉक्स फाइन बच्चे नेक्स्ट टर्न द पेज Point number 3, blank space, A-R-E-R-N-A-M-I-T-A, apostrophes, Namita's, S-H-O-E-S, shoes, Namita's, shoes, बच्चे जिसे मैंने आपको बताया है, देखो, shoes is plural, अब plural के लिए हम क्या use करते हैं, yes, और यहाँ देखिए, far भी है, दूर है ना तो क्या यूज करेंगे हम दोज वेरी गुड सो यू सर्किल दैट एंड ऑल्सो रिटन हियर टी एच ओ एस ई दोज आर नमिताज सूज क्लियर नेक्स्ट पॉइंट यस Blank space are my favorite favorite books. Books. Okay, बच्चे are my favorite books. अब देखिए ये single object नहीं है singular नहीं है plural है और near है तो या कौन सा word आएगा बेटा these this और That, tell me, very good, these,
these used for plural object, है ना, plural noun. These, और यहाँ mention भी करना है, fine. T H E S E, these are my favorite books. Clear बच्चे? Next, a basket is full of apples. ना? अब सेंटेंस क्या कहता है वो देखते हैं. E R E R, blank space. S W E E T, sweet. A P P L E S, apples. R, अब आप ये देखिए, apples are plural noun, है ना. और far है, distance है, indication है. So are those, okay, are those, T H O S E, those sweet apples. Those are Namita's shoes. These are my favorite books. And are those sweet apples. Clear bachche? You have to complete your work. Fine bachche? After that, you have to take a pic and send it to ma'am. Thank you. Have a nice day.